कैसे हो? एक ऐसे देवता जो प्रेम और समर्पण दोनों देखते हैं, जोहार झारखंड। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज आपकी लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सराय ढेला सिंह प्रांगण के बगल में, और आसपास आप देख रहे हैं ये सारे शिव भक्त हैं, लेकिन मेले में एकत्रित हुए हैं। चड़क पूजा, जिसे हम भोक्ता पर्व भी कहते हैं, काफ़ी रहस्यमयी पूजा है। आप आसमान में अद्भुत करिश्मा देख पाते हैं, कुछ जादुई नज़ारा होता है। खास इस कारण है क्योंकि 2-3-4 दिनों का उपवास, उसके बाद जितने भोक्ता हैं, भक्त हैं, वो खीर चुभ होकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। कोयलांचल में ये बड़ा जश्न है और मेले में काफ़ी भीड़ है। इतनी गर्मी में भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, और उपवास के दौरान जब हम कवरेज कर रहे थे तो हमें भी दिखा कि 4-4 दिन के उपवास जितने भक्त थे, उनके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। मेरे पास एक खिलौने के विक्रेता मौजूद है, उनसे जानना चाहूँगी चड़क पूजा उन्हें कितना पसंद है और झारखंड के इस खास पर्व पर उनके क्या विचार हैं। आपका क्या नाम है? संजयराम। एक बात बताइएगा, चड़क पूजा जो है बहुत कठिन दिखता है, आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है हमको। बढ़िया लगता है? कभी डर लगा है? डर लगता है देखने में। डर लगता है, मतलब जब उसको अति करता है ना, छेदा करता है, ऐसा लगता है, बहुत डर लगता है। ऊपर वाला का मर्जी है, बहुत अच्छा। तो घाव जो है वो कैसे ठीक होता है? वो अपने ठीक हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप कभी आप इस तरह का उपवास किए हैं? नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। नहीं किए हैं? तो ये हर बार इस मेले में आते हैं आप बेचने के लिए? तो बिक्री कैसी हो रही है? ठीक है, ठीक हो रही है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी हो बिक्री। और एक चीज बताइएगा, झारखंड का जो त्योहार है उसे उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है जितने बिहार के त्योहारों को दिखाया जाता है, आपको भी ये लगता है? बात तो सही है। चलिए, आप देख रहे हैं जो सच्चाइयाँ हम भी टटोल रहे हैं, झारखंड के फेस्टिवल को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के जितने निवासी हैं और झारखंडी लोग कहते हैं। खैर, सराय ढेला के बाहर आप देख रहे हैं नज़ारा, मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, चलिए पूछते हो कितना मज़ा आ रहा। आपका क्या नाम है? जानवी कुमारी। और आपका? श्रेया कुमारी। बताइए, आज यहाँ पे क्यों आई है? ये भगवान को देखने की। भगवान को देखने आए, तो भगवान मिले? भगवान का फूल मिल गया, भगवान नहीं मिले। भगवान नहीं मिले तो कैसे ढूंढा जाएगा भगवान को? नहीं पता भगवान रहते कहाँ हैं? आसमान में। आसमान में भगवान रहते हैं। और आप बताइए, आसमान की, आसमान में भगवान रहते हैं? हाँ। तो भगवान कैसे दिखते हैं? फोटो में। फोटो में? अच्छा, तो आज वहाँ अंदर में कौन सा पूजा हो रहा है? नहीं पता। मेले में कुछ खरीदे आप लोग? मेले में कुछ खाए? खाए? क्या खाए? आइसक्रीम। अच्छा लगा आइसक्रीम? तो भगवान का नाम लिए, भगवान को याद किए, प्रणाम किए। चलिए, भगवान कहाँ रहते हैं इसका जवाब हमें आसमान मिल चुका है। सराय ढेला की तस्वीरें, चड़क पूजा की तस्वीरें, और ये है भक्तों का उत्साह। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ, और उम्मीद है हमें कि आपको चड़क पूजा का सेगमेंट बहुत पसंद आएगा। तब तक आप जुड़े रह सकते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल लाइव इंडियन गार्ड के साथ।